गाइज, आर यू द एस्पिरेंट्स ऑफ एनटीएससी एंड कंफ्यूज्ड? अगर हाँ तो 12th नवंबर को इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी आपके लिए लाया है सुपर स्कॉलर्स लीग विद द कॉम्बो पैक ऑफ एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस फॉर एनटीएससी प्रिपरेशन. Join these special sessions with the top educators of an academy. They will guide you all from right from the basics. आपको मिलेंगे fun quizzes, interactive polls, complete coverage of previous year's solutions. All in one place. हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल. मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल. गाइज, आप सभी वो बच्चे जो क्लास 10, 12th का बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं 2021 में, वो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. ये मुझे आप लोगों के कमेंट्स को देख करके ही पता चल जाता है, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जो पूछते हैं बच्चे कि सर बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं 2021 के वो कब से शुरू होंगे. स्पेशली क्लास 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वो पहली बार बोर्ड लिखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक हड़बड़ाहट या एक एक्साइटमेंट होता ही है कि अगर एक एग्जैक्ट डेट मिल जाए कि हमारे एग्ज़ाम्स कब से होंगे, तो नेचुरल है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए अपना प्रिपरेशन जो करने का जो तैयारी जो होता है वो उसको वो सही ढंग से डिवाइड कर सकते हैं, सही ढंग से अपना एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं. तो वीडियो के अंत तक रहना है. पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें बिना कहीं इधर उधर सर्च किए हुए. गाइस, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सीबीएसई क्या कर रहा है कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट शीट जो है वो पहले आएगा कि बाद में आएगा थ्योरीज के तुलना में, तो ये अभी जो लेटेस्ट अपडेट जो निकल करके आया है वो ये है कि जो सीबीएसई है वो क्लास 12th का जो क्लास का जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम डेट शीट्स हैं वो दिसंबर के महीने में जारी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो पहले आएगा नवंबर में, यानी कि लास्ट वीक नवंबर तक में शायद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के जो डेट शीट हैं वो जारी कर सकता है सीबीएसई. ठीक है, ये आप सभी को पता ही है कि सीबीएसई जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए डेट शीट जो तीनों स्ट्रीम्स हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, उन सभी के लिए जारी करेगा. ठीक है, लेकिन देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो अभी आप देख भी रहे हो, एनडीटीवी इंडिया का ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं सीबीएसई के वो कह रहे हैं कि पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो डेट शीट है वो जारी किया जा सकता है. अब आप सभी को मैं बता दूं कि 2021 सेशन के लिए 12th क्लास में 12 लाख बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या है. और वहीं अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 18 लाख के आसपास, तो काफ़ी बड़ी संख्या है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं रिगार्डिंग देयर डेट शीट. गाइज, आप सभी को पता ही होगा कि सीबीएसई लगातार जो है वो अपने प्रिपरेशन बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए लगातार ऑन करके रखा हुआ है. ठीक है, कहीं से भी वो कुछ कमी नहीं रख रहे हैं, जल्दी जल्दी वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं. इसी क्रम में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है उस काम को भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है. कब का कंप्लीट हो चुका है ये आप सभी को खबर हो गई होगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बता दें गाइज कि बोर्ड जो है वो आमतौर पर जो अपना एग्ज़ाम है वो आयोजन करता है फेब या मार्च के महीना में. ठीक है, फेब से शुरू होता है, मार्च एंड या अप्रैल तक टच करता है. तो अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम 12th की अगर हम बात करें, तो इनका जो 12th क्लास का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये जनवरी में आपका होने का पूरा संभावना है, ये आप मान के चलिए. ठीक है, जनवरी में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ सकता है. ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, और फेब में आपके जो हैं आपके मेन एग्ज़ाम्स जो हैं वो मेन एग्ज़ाम होंगे. लेकिन अब यहाँ पे एक ख़ास बात है कि ऐसा भी खबर आ रहा है कि सीबीएसई ने पहले प्रैक्टिकल के जो कुछ पोर्शंस हैं उनको डिलीट किया, रिड्यूस किया है, और साथ साथ में हो सकता है कि मे बी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को ख़त्म भी कर दिया जाए, क्योंकि सीबीएसई ने जो अपने सभी एफिलेटेड स्कूल के प्रिंसिपल से जो राय मांगी थी उसमें से एक लिस्ट भेजा गया था, पूरा का पूरा 10-12 पॉइंट्स का लिस्ट था. उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो मार्क्स है उसको कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन पेपर, मेन क्वेश्चन पेपर के अंदर में कहीं इंक्लूड किया जा सकता है. तो अब उससे जुड़ा हुआ क्या जवाब दिया है ये तो अभी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन लास्ट में ये सबमिट हुआ. लेकिन प्रिंसिपल्स एक चीज़ में सहमत थे कि वो एग्ज़ाम किसी भी हालत में पोस्टपोन नहीं कराना चाहते हैं.
तो गाइज आप एकदम कंफर्म मान के चलिए कि सीबीएसई क्लास 10th का जो डेट शीट है प्रैक्टिकल एग्जाम का, वो जारी होगा नवंबर के लास्ट वीक में, जैसा मैंने बताया था। और जो डेट शीट है थ्योरी मेन पेपर का, जो आपका डेट शीट रिलीज होगा, वो जैसा हमने आपको बताया था कि दिसंबर 3rd वीक तक में जारी होगा। तो आपको अपना उसी अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन जो है वो ऑन कर देना चाहिए, और आप उम्मीद है कि ऑन कर भी चुके होंगे। हमने आपको 3 मंथ स्ट्रैटेजी दिया था, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। साथ ही साथ में जो आप सभी ने हमसे स्टडी टाइम टेबल, बेस्ट स्टडीज टाइम टेबल आपने मांगा है, वो हम आपको जल्दी ही आपको वो वीडियो दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उन वीडियोस से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।